जीडीपी रेशियो है, उसके कारण जो इन्फ्लेशन का इश्यू है वो हमारे ध्यान में, हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अभी डिमांड जो है वो सब्ड्यूड है, तो इन्फ्लेशन एक चीज है जो आरबीआई के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो अगर प्रोएक्टिवली सरकार काम कर रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जीडीपी अच्छी और करेगी, और यह उसका एक इंडिकेशन तो नहीं कहता, लेकिन मतलब यह है कि हम भी इसका स्वागत करते हैं, खुश है कि ये नंबर ठीक है। और अगर आप इंडस्ट्री लोगों से बात करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस मैं देखता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इकोनॉमी पे अच्छा है। ग्लोबल भी जो फंड फ्लो आ रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, उस सबसे लगता है कि पॉजिटिवली इकोनॉमी हमारी जो रिवाइव हो जाएगी फास्ट। मुझे तो ये यही बात ज़्यादा ठीक लग रही है कि अवर इकोनॉमी इज ऑन द राइट पाथ इन राइट डायरेक्शन। जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से जागरूक है, एक्सपोर्ट का बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ पे, ग्लोबल इकोनॉमी भी रिवाइव हो रही है, फिर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। आपने जो तीन पॉइंट रखे हैं, एक तो कि बोरोइंग को लेकर के सरकार कंसर्न है, उसको ये देखना है कि कितना डेफिसिट करना है, इन्फ्लेशन को लेकर के भी वो चिंतित है, और डिमांड कैसे पुश की जाए इसको भी, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं सर। इसको थोड़ा सा लेट में खोलते हैं, एक बार नंबर की डिकोडिंग करा लें। डॉक्टर हीरानंदानी, आप इन नंबर को अगर एक्स्ट्रा